बड़ी खबर आ रही है जनपद श्रावस्ती से, जहां पर मवेशी को खेत से भगाने गए युवक का मिला शव। गांव में मचा हड़कंप। आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद श्रावस्ती के कोतवाली भिनगा के अंतर्गत सहियापुर गांव का है, जहां पर आज सुबह 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि प्रमोद उर्फ रामजी गोस्वामी पुत्र मथुरा प्रसाद उर्फ गोली बाबा उम्र 26 वर्ष शाम करीब 5 बजे खेत से मवेशी को भगाने गया था, जो करीब 11:30 बजे रात तक घर वापस नहीं आया, तो परिजनों द्वारा खोजबीन शुरू कर दी गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा, तो वही सुबह 7 बजे उसका शव गांव के पास में ही पानी में उतराता देखकर इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पर लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची लक्ष्मणपुर चौकी प्रभारी वीरपाल तोमर अपने दलबल के साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये पूरा मामला थाना कोतवाली भिनगा के अंतर्गत भीतपुर तराई के मजरा सहियापुर गांव का है, जहां पर 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विजय शुक्ला, ग्राम पंचायत भीतपुर तराई मजरा ग्राम सहियापुर ब्लॉक सिरसिया थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती। ये लड़का है प्रमोद कुमार उर्फ रामजी पुत्र गोली बाबा और उर्फ मथुरा प्रसाद। इसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष और कल शाम 5 बजे के लगभग ये बहला खेत में निकला और इसके बाद में ये कहीं पानी में स्लिप करके गिर गया। और ये हमारे यहाँ जो पानी देखा जा रहा है, ये विगत वर्षों से ऐसे ही जल भराव होता रहता है और इस बार तो खास ज़्यादा पानी इसलिए इकट्ठा है क्योंकि गांव के पूर्वी हिस्से में नहर खोद दिया गया है और उस नहर की वजह से यह पानी कहीं निकल नहीं पा रहा है, ना निकलने की वजह से ये जो है ऐसे ही भरा रहता है। ये हमारे ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि हैं। ये आप बोलिए, क्या नाम आपका? बोल क्या नाम आपका? अवधेश कुमार जी। आपको सूचना कब मिला? रात को लगभग 8 बजे। अच्छा अच्छा, कुछ बोलिए। डाल दो। क्या नाम है आपके? हाँ, नुआ का बोलो। आए, अच्छा, तो रात में कई बजे से जो ना ढूंढत रहे सब? अरे 5-7 बजे रहती हम। अच्छा अच्छा, अब बताओ तो रहे 10-11 बजे फिर आए रहे? हाँ, तो आप कैसे पाए नहीं आए? निकारा का है। अच्छा, आप अपने सब निकारे हो?